अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जावेद ASG न्यूज़ में। नाज़रीन आपका खैर मकदम। नाज़रीन इस खबर की पेशकर्दा है AK बिल्डर्स एंड डेवलपर्स चंद्रायन गुट्टा हैदराबाद। नाज़रीन पेश है आज की नशरियात। AC गार्ड से एक शख्स लापता, 40 साल मोहम्मद बिन सलीम जिनका नाम बताया गया है। इस सिलसिले में गुमशुद की रिपोर्ट सैफाबाद पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई जा चुकी है। अगर किसी को यह शख्स नज़र आए तो फौरन करीबी पुलिस स्टेशन या फिर मुतालिका सैफाबाद पुलिस को इत्तला देने की ख्वाहिश की गई है। इस सिलसिले में मुतालिकीन ने तमाम तर तफसीलात से मीडिया को आगाह किया। पेश है ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं इशरत बेगम, मेरा नाम इशरत बेगम है। मोहम्मद बिन सलीम 10 तारीख से लापता है। आप लोगों को जिस लोगों को भी आपको इत्तला मिली है, आप AC गार्ड और ये क्या बोलते हैं सर, हैमानिया ग्राउंड के पास आप इत्तला करीजिए। और हम लोग सरफाबाद में भी कंप्लेंट कराए हुए हैं। अगर आप लोगों को इत्तला वो भी मिली है तो आप लोग यहाँ का एड्रेस नहीं मालूम हुआ तो आप लोगों को सरफाबाद PS में भी दे सकते हैं उनकी इत्तला। हम बहुत परेशान हैं उनके लिए, बच्चे सब रो रहे, हम लोग सब रो रहे। आप जहाँ भी हो, आप लोगों को किसी को भी मालूम हुआ तो आप हम लोग इत्तला दीजिए, कहीं भी दिखे करे तो। और ये इनकी नंबर है और ये फ़ोटो है उनकी, मेरे शोहर की। क्या नाम है? मोहम्मद बिन सलीम है इनका नाम। क्या बोलूँ? अस्सलाम वालेकुम, ये मेरे वाली साहब है, इनका नाम मोहम्मद बिन सलीम है। इन्हों 10 तारीख से लापता है, घर से निकले ऐसा अचानक, कुछ बोले नहीं करे नहीं, चले गए सो अब तक आए नहीं। हम लोग सैफाबाद PS में कंप्लेंट भी दिए, कंप्लेंट रिसीव हुई PS में, गोपाल राव सर थे, उन्होंने दिए बात करे, उन्होंने तसल्ली दी हमको, उन्होंने जो भी इंफॉर्मेशन मिली हमको देते बोल के बोले जल्द से जल्द। हम लोग की कोशिश जारी है, हम लोग की भी देख रहे हैं, हम लोग भी अगर जिस किसी को भी अगर कहीं दिखे या कोई इंफॉर्मेशन मिली तो आपको प्लीज़ या हमको या सैफाबाद PS को कॉन्टैक्ट करिए प्लीज़।